हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सबका एक कमेंट हमें दूसरी क्लास बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यूपी पीजीटी या बिहार पीजीटी जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। अंतर समूह से, प्राथमिक समूह से, संदर्भ समूह से, धार्मिक समूह से। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, संदर्भ समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मिलान सही नहीं है? दुर्खीम, यांत्रिक व सावयवी एकता, शोरोकिन, चेतनात्मक, भावनात्मक, इंद्रिय परक संस्कृत, मैकाइव, सामाजिक स्थिति की हट्टन माना का सिद्धांत। कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सामाजिक स्थिति की। ये मैकाइवर का नहीं है, ये अगस्त कॉम्प्ट का है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। दुर्खीम का यांत्रिक व सावयवी एकता है। शोरोकिन ने तीन संस्कृतियां बताई थी, चेतनात्मक, भावनात्मक, इंद्रिय परक, और हट्टन ने माना का सिद्धांत दिया था। लेकिन माना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्डिंगटन और प्रियूष ने किया था। माना का सिद्धांत हट्टन ने दिया था लेकिन माना शब्द का प्रयोग कार्डिंगटन और प्रियूष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना? पैरेटो, वेवर, मार्क्स, डेहरेंडार। राइट आंसर बताइए। किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, मैक्स वेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति में ही विवाह को कहा जाता है बहिर्विवाह, सगोत्र विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर विवाह। जात में ही विवाह को कहा जाता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, अंतर विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता? विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की एक व्यवस्था, विवाहेतर यौन संबंध। राइट आंसर बताइए। किसे परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता? तो हमारे भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। इसमें जो है विवाहेतर यौन संबंध को परिवार का ये लक्षण नहीं माना जाता है। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की? बर्नार्ड, किम्बॉल एवं गुरविच एवं मोर, कूले। राइट आंसर बताइए। संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या गुरविच एवं मोर ने की है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। और कूले और बर्नार्ड, इनका नाम ये साथ में ही आता है। कूले और बर्नार्ड ने चेतन और अचेतन की बात की है। किम्बॉल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक की बात की है। लेपियर ने लोकतांत्रिक और सत्तावादी नियंत्रण की बात की है। इसमें जो है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, इस कथन को किसने दिया है? कॉम्प्टे, मार्क्स, स्पेंसर, पैरेटो। राइट आंसर बताइए। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है।
ये कथन है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से अर्नाल्ड जे टैनबी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है? चुनौतियों एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, सामूहिक मस्तिष्क शास्त्र सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सावयवी सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। निम्न सिद्धांतों में से अर्नाल्ड जे टैनबी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है? तो अर्नाल्ड जे टैनबी ने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री बुक में यह सिद्धांत इन्होंने दिया है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत हॉब्सलॉक और रूसो का है, सावयवी सिद्धांत ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है पुनर्जागरण से, कृषक प्रतिवाद से, केल्विनवाद से, कैथोलिकवाद से। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, केल्विनवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, सामाजिक विज्ञान इस मान्यता पर आधारित है कि संसार में मानव केंद्रीय है, प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, ये कथन गलत है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? टोटमवाद, आत्मा का परकाया प्रवेश, वर्जन मंदिर। राइट आंसर बताइए। जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है, मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्प्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया शुद्ध समाजशास्त्र एवं व्यवहारिक समाजशास्त्र में, सामाजिक दर्शन एवं सामाजिक अभियांत्रिकी में, सामाजिक रूप विज्ञान एवं सामाजिक संरचना विज्ञान, सामाजिक स्थिति की एवं सामाजिक गतिकी में। अगस्त कॉम्प्ट के अनुसार पूछा है कि उन्होंने समाजशास्त्र को किन दो भागों में बांटा है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फोर, सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी में, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? भोज्य पदार्थ संग्रह, चौपायों का पालन पोषण, खेती बाड़ी, कुटीर उद्योग। बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, भोज्य पदार्थ संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा? प्लेटो, हॉब्स, अरस्तु, स्पेंसर। मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है वेश्यावृत एक पाप नहीं है? बछरा एवं बेड़िया, गोंड एवं भील, थारू एवं मुंडा, पनका एवं बैगा। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत एक पाप नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, बछरा और बेड़िया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर्स एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल पॉपर, इमैनुअल दुर्खिम। यूजर्स एवं औद्योगिक समाज, यूजर्स समाज को सैनिक समाज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
कार्ल पॉपर की बुक है पावर्टी ऑफ स्टोरसिस, और दुर्खीम ने जो है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है, यांत्रिकी और सामूहिक एकता की बात की है दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज शासित होता है अभिसमयों द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवीय शक्ति द्वारा, भौतिक बल द्वारा। आधुनिक समाज शासित होता है, ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, विधि शासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है, भौगोलिक अस्थिर सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता, स्थिर सरकार। कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है, स्थिर सरकार ये समुदाय का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्रजाति बृहद जैव की मानव समूह है, जिंसबर्ग, फ्रेंच बोवास, डीएन मजूमदार, अर्नाल्ड ग्रीन। प्रजाति को बृहद जैव की मानव समूह किसने कहा है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है, अर्नाल्ड ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय पहले भारत में जनजाति की अस्मिता के बारे में गंभीर विवाद था, एक और जी एस घुरिया ने यह मत व्यक्त किया कि जनजातियों का हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सात्मीकरण होना चाहिए, दूसरी ओर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मानव शास्त्री ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उनकी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखनी चाहिए, और वह ब्रिटिश मानवशास्त्री कौन थे, बैरियर एल्विन, हट्टन, डब्ल्यू जी ग्रिफिथ, रिजले। तो वो ब्रिटिश मानवशास्त्री थे बैरियर एल्विन, इन्होंने जनजाति से संबंधित पृथककरण की नीति दी थी, नीति के बारे में बताया था, और जी एस गुरिये ने आत्मसात की नीति बताया था, और जवाहरलाल नेहरू ने एकीकरण की नीति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह शब्द सृजित किया मार्टिन होमस हाइमन राश, संदर्भ समूह शब्द को सृजित किसने किया, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, हर्बर्ट हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अननुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है, किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है, राइट आंसर बताइए। भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को दो परस्पर भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में सम्मिलित है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं जैविकी व्यवस्था, राइट आंसर बताइए। पार्सन्स के अनुसार बताना है, पार्सन्स ने क्रिया की उपव्यवस्थाओं में क्या क्या सम्मिलित किया है, तो इन्होंने क्रिया की तीन उपव्यवस्थाएं बताई थी, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्माण नहीं करती वरन उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है, यह कथन किसका है, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल दुर्खीम, मैक्स वेबर, हेगल, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिवृत्तियाँ एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित होती है, सामंजस्य, आत्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एकीकृत हो जाती है एकीकृत समूह में
इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित होती हैं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, सातवींकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? सहयोग, प्रतिकूलता, सातवींकरण, प्रतिस्पर्धा। एक और तीन, एक और दो, एक तीन और चार, एक दो और चार। राइट आंसर बताइए। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग है और सातवींकरण है, एक और तीन। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उसे चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। एक श्रमिक संघ, रोटरी क्लब, आर्य समाज, पार्क में टहलते अनेक वृद्धजन। राइट आंसर बताइए। उसे चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है इसमें, पार्क में टहलते हुए वृद्धजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? संसद, सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, परिवार। राइट आंसर बताइए। कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? तो ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्का अथवा पितृवंशी तथा पितृ स्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है टोडा में, संथाल में, एस्किमो में, कुर्ग में। राइट आंसर बताइए। उक्का अथवा पितृवंशी तथा पितृ स्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है कुर्ग में। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। कुर्ग जात का अध्ययन जो है एमएन श्रीनिवास के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? 1929, 1939, 1941, 1949। शारदा अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हरविलास शारदा के द्वारा 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत बाल विवाह को जो है प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह समाज के बाद आया, यह समाज से बहुत पहले आया, इसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ, इसका उद्देश्य विशिष्ट है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, इसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का विचार धर्म की आत्मा है विचारक इंगित करें। जी एस बर्नर्ड, फ्रेंच बोवास, इमाइल दुर्खिम, लियोनार्ड डब्ल्यू डूब। राइट आंसर बताइए। समाज का विचार धर्म की आत्मा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक में ये बात इमाल दुर्खीम के द्वारा कही गई है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जात की अवधारणा को किसने विकसित किया? एम एन श्रीनिवास, के एम कपाड़िया, एल ड्यूमा मुखर्जी। प्रभु जात की अवधारणा एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी एवं गरीब के बीच संघर्ष को निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? जात संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष। धनी एवं गरीब के बीच संघर्ष को निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं पारस्परिक, व्यक्तिमूलक, स्वतः प्रवर्तित, पृथक। अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है, पारस्परिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्रगत सामाजिक गतिशीलता द्वारा निम्नलिखित परिवर्तनों में से किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है?
संरचनात्मक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जैविकी परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन। उदग्र सामाजिक गतिशीलता पूछा है के द्वारा किस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है संरचनात्मक परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, आयु, लिंग, रक्त संबंध, धन। कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है, प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, सावयववाद। राइट आंसर बताइए, प्रकारवाद। ये किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सांस्कृतिक निर्धारणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति से संबंधित है, खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग का अभाव, संस्करण, एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, एक और चार। राइट आंसर बताइए, जाति से संबंधित कौन सी विशेषता है, तो इसमें राइट आंसर होगा खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण, एक और चार, ऑप्शन इसमें फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था, पैट्रिक गेट्स, इरावती कर्वे, आईपी देसाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन इरावती कर्वे के द्वारा किए गए, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतपूर्ण संघर्ष किसने कहा है, मैकाइवर, ग्रीन, डेहरेंडॉर्फ, मैक्स वेबर। प्रतिस्पर्धा को शांतपूर्ण संघर्ष किसने कहा है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है, मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतपूर्ण संघर्ष कहा है। ग्रीन ने प्रतिस्पर्धा के बारे में कहा है, दो से अधिक एक ही उद्देश्य के, दो से अधिक एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसको उनमें से कोई समूह दूसरे समूह के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूहों को शीत जगत किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंटर, पीएच लैंडिस, पार्सन्स, मर्टन। द्वितीयक समूहों को शीत जगत पीएच लैंडिस ने कहा है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी भूमिका समुच्चय को व्यक्त करती है, बहुल भूमिका, एक परिस्थिति से जुड़े भूमिकाएं, समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों का समूह, उपरोक्त सभी। कौन सी भूमिका समुच्चय को व्यक्त करती है, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह के रूप में जनजात किसके सबसे अधिक समीप है, जाति के, समित के, वर्ग के, समुदाय के। एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है, समुदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं, अपरिभाषित, व्याधिकीय, अंतः परिवर्तनीय, अंतः निर्भर। सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं अंतः निर्भर होती हैं, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है, किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से, किसी जनजाति के बहिर्विवाही वर्गों के विभाजन से, श्रम विभाजन की प्रकृति से, जनजातियों के विवाह संबंधी रीतियों से। राइट आंसर बताइए, भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगितात्मक अपव्यय किया जाता है। पोर्टलैच ये अमेरिका की एक प्रथा है, अमेरिका में जो जनजातियाँ हैं उनकी एक प्रथा है ये। इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा को उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगितात्मक अपव्यय किया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञप्ति सही है? सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है, सामाजिक संरचना अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संरचना समाज ही है, सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन है। 1 तथा 4 सही है, 2 तथा 4 सही है, 3 तथा 4 सही है, 1 तथा 2 सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का संयोजन है और सामाजिक संरचना अंतर वैयक्तिक संबंधों का जाल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? मर्टन, ब्राउन, नॉर्डल, मेलनोवस्की। किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, ब्राउन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगार्डस के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग है? सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जादू को विज्ञान की अवैध बहन मानता है? टायलर, स्पेंसर, फ्रेजर, कार्ल मार्क्स। कौन जादू को विज्ञान की अवैध बहन, बास्टर्ड सिस्टर मानता है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के निर्योग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सही है? आर्थिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता, उपरोक्त सभी। अनुसूचित जातियों के निर्योग्यताओं की दृष्टि से ये सभी सही है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमत के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतैक की प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष। अंतःक्रिया की वह व्यवस्था। अंतःक्रिया की वह व्यवस्था वह सामाजिक अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमत के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे सहयोग कहते हैं। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा की विशेषता है? पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए, जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ हो, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की उसे क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। राइट आंसर बताइए, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी उसे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहेंगे। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। आज की ये क्लास रिवीजन क्लास थी। थैंक यू।